वेलकम बैक सलमान साहब। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपके आगे एक सवाल रखा था, दोहरा देती हूँ कि क्या केपीके का बलदियाती निजाम पंजाब में काम करेगा? देखिए, इस वक्त के जो चारों लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम है उसमें कोई शक नहीं है कि केपीके का गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये भी आइडियल नहीं है, उसमें भी बेशुमार खराबियां हैं। और पंजाब की सिचुएशन में और केपीके की सिचुएशन में बड़ा फर्क है। हम दो ये नहीं समझ सकते कि केपीके का सिस्टम जो है एज इट इज पंजाब में नाफिज कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि केपीके का सिस्टम जो है उसी को पंजाब में लागू किया जाएगा, लेकिन पंजाब के जो अरकान असेंबली थे उन्होंने कहा था कि जहाँ के हालात मुख्तलिफ है इसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ एक डिफरेंट किस्म का सिस्टम आएगा। अब देखना यह होगा कि जो पंजाब में नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा वो किस हद तक अवामी उमंगों की तर्जुमानी करेगा और किस हद तक वो आर्टिकल 140A की तर्जुमानी करेगा, तभी कोई बात हो सकेगी। लेकिन अभी इस वक्त मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो पंजाब में इस वक्त लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम चलाया जा रहा है वो इस वक्त एक सियासी कश्मकश का शिकार हो गया है, क्योंकि तमाम जो लोग जीते हुए हैं नाजमीन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन लॉर्ड मेयर, इनका ताल्लुक मेजोरिटी जो है वो PMLN की है और तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत है। इसलिए सूबाई हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी कि यहाँ पर बैठ के वो इन मौजूदा चेयरमैनों को और लॉर्ड मेयर को ज्यादा बाख्तियार बना दें और उससे उनकी पार्टी पोजिशन खराब हो जाए। इसी वजह से इस वक्त पंजाब में जो PTI और PMLN की चपकरिश है उसकी वजह से भी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम यहाँ उस तरह से इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर रहा जैसे किया जाना चाहिए था। अब मसला यह है कि नया सिस्टम कब आएगा, इलेक्शन कब होंगे, ये अभी अब क्या तैयारियां हैं। और मैं समझता हूँ कि पंजाब में इस वक्त जो है लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो ठीक तरीके से। सलमान साहब, छोटा सा सवाल कि कितना वक्त दरकार है कि पंजाब में जो है वो नया बलदियाती निजाम आ जाए और बेहतर अंदाज से मामला हल हो जाए? सलमान साहब, मैं एक सियासी वर्कर होने की हैसियत से आपसे ये सवाल करता हूं कि ये सारे तजर्बे पंजाब में क्यों होते हैं? पहले अयूब खान आए, उन्होंने BD मेंबर सिस्टम यहां लाए, फिर उसके बाद हमारी हुकूमत आई, एक वार्ड एक काउंसलर बनाया, वो सबसे कामयाब था। उसी दौर में मियां अजहर मेयर थे, उसी दौर में मियां शजाउर्रहमान मेयर थे, उसी दौर में ख्वाजा अहमद हसन मेयर थे, वो बेहतरीन सिस्टम था जो मुस्लिम लीग ने बनाया था। फिर इसमें तजर्बा मुशरफ का आया, फिर अब नए तजर्बे क्यों हो रहे हैं, ये पंजाब में क्यों हो रहे हैं, दूसरे सूबों में क्यों नहीं होते? अब सुन ले जरा, शहबाज शरीफ साहब का जो सिस्टम था, शहबाज शरीफ ने लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम को खराब कर दिया और यहाँ पे आके अथॉरिटियां बना दी और तमाम के तमाम लोकल गवर्नमेंट के जो इख्तियारात थे वो ब्यूरोक्रेसी को मुंतकिल कर दिए। सर, उन्होंने खराब नहीं किया, ये अदालती हुक्म था, उन्होंने अदालती हुक्म को माना, उन्होंने कहा ठीक है जी, ये वो कहते थे जल्द अज जल्द इलेक्शन करा दें, जल्दबाजी में इलेक्शन कराए गए। अदालत ने नहीं कहा था कि अथॉरिटियां बनाई जाएं, अदालत ने नहीं कहा था कि ब्यूरोक्रेसी को इख्तियार दे दिए जाएं, ये खुद शहबाज शरीफ साहब की मर्जी और मंशा से हुआ है। इसलिए जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम, उन्होंने ऐलान कर दिया कि ठीक है जी इलेक्शन, उन्होंने कमेटी बनाई, वो बाद में जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने जेर जबर नहीं लगाई, जिसकी वजह से वाइस चेयरमैन रो रहे हैं, काउंसलर रो रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेसी का सारा। ठीक है सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इमरान मलिक आपके जाने पाऊंगी, नजीर खान सवाती साहब, शम्स बेग साहब और इसके साथ साथ सुहेल साहब, आप सबसे मेरा एक ही सवाल है और बहुत ही मासूमाना सवाल है कि नून लीग एक मंझी हुई जमात है, कई टेन्योर उसने पंजाब में गुजारे, पूरे पाकिस्तान में जो है वो उनका अच्छा खासा होल्ड और खास तौर पर पंजाब में उनका गढ़ समझा जाता है, आखिर वो इतने सालों में ऐसा बलदियाती निजाम क्यों नहीं ला सकी कि हम आज भी यहां पर बैठे अवाम के छोटे छोटे जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर बात कर रहे हैं? देखें, ये बात ये है कि जहां तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात है, उन्होंने भी इलेक्शन करवाए हैं, अब अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो वो ये दूर कर दें। कुछ हम नहीं, तो ये बहुत सारी कमियां चाहिए, गाड़ी को आगे चलना चाहिए, क्या होना है ये हमें भी पता चले, आम को भी पता चले। ना फैसला ये आपने करना है, ना स्वाति साहब ने करना है, ना शमस साहब ने करना है, ना मैंने करना है, ना सिद्रा आपने करना है। हमारा जो प्रोग्राम है, हम बार बार उसी मसले पे दोबारा मैं वापस इसलिए आता हूँ कि अभी हम उसके हल की तरफ नहीं जा रहे। ये जो बलदियाती निजाम है, तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट है, उसने मुसवदे का ऐलान करना है, कब वो करेगी, किस तरह से करेगी? तो हल तो हो गया, मुसवदे का ऐलान तो करना है, लेकिन ये बताइएगा कि गल पता नहीं कदों आना कदों नहीं आना, इन्हें फड़ दे, इन्हें फाल करन दे, आप तो इस तरह कह रहे हैं कि आपने ये कह दिया तो आपको फंड मिल जाएंगे, किस तरह फंड मिलेंगे नहीं, आपको? इसलिए आप देखें, आपकी गवर्नमेंट तो है ही नहीं। शहबाज शरीफ ने 25-25 लाख की
आपके चेयरमैन फंड रोक रहे हैं, वो काम नहीं लगने दे रहे, रोक नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं रोक रहे, बिल्कुल नहीं रोकने लगता। मुझे तो यूं लगता है कि आप मेरा इमरान साहब, मैं तो वही बात कह रहा हूं, बात सुन ले, अगर मुझे इतना मुझे नहीं मेरे साथ फंड रोक लाहौर न्यूज से हमेशा शहरियों की आवाज उठाई है, लाहौर न्यूज ने हमेशा शहरियों की आवाज उठाई है। मुझे इतना अफसोस हुआ है कि सड़कों के जो पैचवर्क लगने हैं उसको आपने अपना जो है आपस की लड़ाई में सड़कों के पैचवर्क आपने बंद करा दिए, वो जो गड़ी शो से या सड़क वहां से गुजरते हैं, आप देखें आपको इतने ज्यादा लाड मेर भी अदालत में बेचारे धक्के खा रहे, अदालत में अपने खून की जंग लड़ रहे हैं, उनको भी मुकदमा, देखिए वो जंग कुछ हो रहा है, देखिए वो भी शहर लाहौर की जंग लड़ रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर कुछ नहीं होना आपके मुताबिक तो फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? हम तो यहाँ बैठे हैं कि आपकी हमारी मिल के आवाज ऊपर तक जाए। अच्छा मुझे बताएं जरा, चले भी जाए, मैं ये कहता हूँ हम टेबल पे बैठ गए, आपके चेयरमैन 319 डिस्ट्रिक्ट मेंबर, 45 डिस्ट्रिक्ट मेंबर और 274 चेयरमैन 11 तरीके इंसाफ के, कितनी दफा असेंबली के आगे आए हैं एहतजाज करते हुए हमारे फंड क्यों बंद किए हैं? कितनी दफा आप कोर्ट गए हैं? सिर्फ आपका मेयर लाहौर का रिटायर मुबशर जवेद ही गया है ना, आप में से कौन से चेयरमैन ने रिट दायर की है? आपको तो पैसों की जरूरत ही नहीं है, आपको तो बस ये चाहिए कि एमएनडीआर के पैसे लगे हैं उनको रुकवा दें, किसी तरीके से हमने पहले भी इजाजत दिया था फंड्स के वाले को, पहले भी इजाजत दिया था हमने 25 जुलाई के जनरल इलेक्शन के बाद, आपने कोई एक एहतजाज किया अभी तक कि आप पूरे शहर लाहौर की आवाज बनकर असेंबली के आगे खड़े हुए हैं, काली पट्टियां बांधी हैं आपने, पंजाब असेंबली के आपने पंजाब असेंबली का पूरे पंजाब के चेयरमैन इकट्ठे किए हैं वहां पर आपने अपनी आवाज बुलंद की, आपने एहतजाज किया, ये बिल्कुल हमदा इस निजाम को बचाने के लिए, निजाम को हाल करने के लिए, मुंह दिखावे के लिए किया, हम सब देख रहे हैं, लॉर्ड बेयर साहब हम अपने आवाज के लिए निकले, अपनी आवाज के लिए बुलाया, अपने आवाज को जब असेंबली के बाहर एहतजाज हुआ उनके लिए अपने डिप्टी मेयर, आपके पास 31 यूनियन काउंसिल है, 31 चेयरमैन आपके पास, आप अपने डिस्ट्रिक्ट मेंबर्स के साथ रोजाना आकर बाहर आकर आप कैंप लगाए, हमने वहाँ पर दो दिन कैंप लगाया, दो दिन हमने वहाँ पे इत्तेजाज किया, उसके बाद कुछ मिला उसके बाद, मगर हमने उसके बाद फिर सारे लाहौर देखिए पूरे पंजाब में फैली, यहाँ पे आपका बस चला, पीछे आपका बस चला, आपने निजी होटल में 72 चेयरमैन इकट्ठे किए, आपने 25 तारीख को टेंडर कैंसिल करवा दिए, आपका बस कैंसिल करवाया, आप लाइव बोले हैं, जब तक मुशावरा से काम नहीं होगा तब तक हम ये काम नहीं करेंगे, ऐसी बात आप बिल्कुल बात ठीक इस तरह करें। अच्छा अगर शम साहब अगर टेंडर मंजूर नहीं कराने थे तो मुतालिबात क्या थे? आप कह रहे थे जांच नहीं हुआ, भाई असेंबली के सामने लॉर्ड मेयर ने पूरे पंजाब के चेयरमैनों को बुलाया, यहाँ के चेयरमैन इत्तेजाज हुआ, वो एवरी हॉलीडे में उन्होंने पूरे चेयरमैनों को बुलाया, अच्छा आवाम एहतजाज करेगी तो वो सड़कों पे निकलेगी, लेकिन जब चेयरमैन और जितने भी हमारे बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो एहतजाज करेंगे तो वो बड़े बड़े होटल्स में किए जाएंगे। नजीर खान सवाती साहब आपने खुद कहा कि आपको हॉलीडे इन में बुलाया, इजलास हुआ उसके बाद आपने जो है वो खूब एहतजाज किया, असेंबली के सामने आपने रैली निकाली है, इख्तियार दो, हमारे पास हमारे लोगों को मैंडेट मिला हुआ है, आप कहते हैं जी हमें फंड दें, आप मैंडेट के साथ फंड मांग रहे हैं ना,
आप क्यों नहीं बाहर निकलते, आप सेक्रेटरी का क्यों नहीं घराव करते, आप सेक्रेटरी बल्दियात की तरफ क्यों नहीं जाते, आप अपने ही हाउस इजलास में हमने ये हाउस ही चलने देना अपने आदाब के साथ हर जगह पे इत्तेहाज ही गया आपके यहाँ आके कैमरे के सामने हर जगह पे हम इन पार्टियों में से भी हैं सर ये इतने मरे आगे लगाए हम अपनी इस यासी बात के लिए आपने सिर्फ आप एक बार की तोड़ना पड़ा हाउस की कार्रवाई तब होगी जब मेरे साथ बात अच्छा जी ठीक है स्वाति साहब आपने ये जो लास्ट टाइम हाउस को आपने खत्म किया जो इजलास चल रहा था वो कौन नहीं चलने दे रहे थे चेयरमैन आपके इर्द गिर्द कौन आए नहीं मेरी आपकी बात कोई मान रहा था एक मुतालबा था कि लॉर्ड मेयर साहब को बुलाए लॉर्ड मेयर साहब नाजरीन बहुत सारा बजट लगता है जब भी बल्दियाती नुमाइंदों को बुलाया जाता है जब भी इजलास होता है तो वो पैसे लगते हैं जो मेरी और आपकी जेब से निकल के टैक्सेस के मद में उन पैसों का इजलास होता है लेकिन जिस आखिरी इस इजलास के इमरान मलिक भी बात कर रहे थे वो सिर्फ 23 मिनट चला और ये तमाम जो बल्दियाती नुमाइंदे थे वो उन्होंने घेराव किया डाइस का और नहीं चलने दिया 23 मिनट के बाद वो एहतजाज खत्म हो गया कोई काम की बात नहीं हुई उसमें कोई भी आवाम के जो भलाई के मंसूबे थे उस पर बात नहीं हुई किसी तरह की कोई सिर्फ घेराव किया गया और इस इजलास को नहीं चलने दिया गया देखिए जब भी इजलास होता है ना तो लॉर्ड मेयर साहब मेयर हाउस में मीटिंग बुलाते हैं पार्लियामानी वहाँ बड़ा अच्छे तरीके से हर एक की जो बात सुनते तो जब उन्होंने मीटिंग बुलाई थी इजलास से पहले किसी एक आदमी ने उनके काम में डाल दिया हमने प्रोग्राम में मधु किया है यहाँ पर आप बैठ के ये बात कर रहे हैं कि हमें टेबल पे बैठकर आवाम के मसाइल हल करने हैं हमें टेबल टॉक करनी है तो जब इजलास हुआ था तो टेबल टॉक क्यों नहीं की गई 256 अब्दुल सालिदी रोड जाके देखे वहाँ पे काम होने वाला है कि नहीं काम बिल्कुल होने वाला है साहब है वहाँ के चेयरमैन शम साहब हर जगह पे काम होने वाला है लेकिन अगर ये रिपेयर के काम लगते उस यूसी का काम नहीं लग सकता था हम तो अपने लिए नहीं बात कर रहे थे आपने सिर्फ एक रीट पकड़ी दो मोरिया नहीं नहीं दो मोरिया बोल के तो मैं खुद गया इसलिए मैंने आंखों देखा लाहौर है मैंने आपको कहा कि पूरे लाहौर में काम होने वाले हैं नाज़रीन को कहूंगी कि आप देख सकते हैं कि जो हालात इजलास में होते हैं वही हालात यहाँ पर प्रोग्राम में हो रहे हैं कि ये तमाम जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे हैं ये अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं लेकिन आवाम की आवाज नहीं बनना चाहते ब्रेक पे जाएंगे We'll be right back.